अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। अभी है जी शाम का टाइम और हम गए थे जी बाहर वॉक पे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। हमारे घर के साथ ये छोटा सा फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे अक्सर मैं वॉक के लिए जाती हूँ। अब इतना टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ, तो जब कभी मैनेज हो जाता है तो मैं जाती हूँ। यहाँ से फ्रेश ब्रांचेस जो होती हैं, फ्रेश फ्लावर्स जो उगे हुए होते हैं, वो लेके आती हूँ अक्सर घर में जो है वो। मैं मुझे बड़ा शौक़ होता है कि जो है ना ये फ्रेश फ्लावर्स हों डेकोर के लिए। आई डोंट लाइक आर्टिफिशियल मच, लेकिन ये ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैं रिप्लेस कर देती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारे जो थे ना वो ब्रांचेस थे, फ्लावर्स थे, तो मैं काफ़ी सारे जो है वो लेके आई थी और इनको मैंने बड़े अच्छे से वो किया था, थोड़ा सा वाटर ऐड करके वेज़ेस में, तो उसमें मैंने इनको रखा था। तो दो तीन दिन तक ये फ्रेश रहे थे, उसके बाद फिर ख़राब हो गए थे, डेफिनेटली मुरझा गए थे। तो यहाँ पे मैंने किचन क्लियर किया था और सारी चीज़ें जो है समेटी थी और ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। मैं अक्सर चेंज करती रहती हूँ, ये लाती रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी आपके साथ शेयर ही नहीं किया, तो मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी हम बना रहे हैं कोरियन कोल्ड सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे बच्चों को, हस्बैंड को बहुत पसंद है, मैं भी बहुत शौक से खाती थी, लेकिन आजकल मैं डाइट पे हूँ तो मैं नहीं ले रही। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है, दिस इज़ क्रीम शैंटेल जो कि पाउडर्ड क्रीम होती है, उसको सिर्फ आप मिल्क में ऐड करके व्हिप करते हैं, तो वो मैंने ऐड की है। इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज ऐड की हैं और इसके ऊपर मैंने जो है वो एक और स्लाइस रख दिया ब्रेड का। बस इसको अच्छे से रैप करके तो इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तो ये जो क्रीम शैंटेल होती है, ये पाउडर्ड क्रीम होती है, इसमें ऑलरेडी स्वीटनर होता है। ये सिर्फ 120 ml आप मिल्क लेते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेट आप ले रहे हो, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो बस इसको व्हिप कर लेते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। अपने के लिए मैंने लिया था योगर्ट और चॉकलेट ग्रेनोला, उस पर मैंने नट्स ऐड किए हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी, प्लेन जो रेगुलर होता है ग्रेनोला वो ऐड किया और योगर्ट के साथ और शिया सीड्स के साथ मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। और एक जो सैंडविच था उसमें मैंने फिग्स ऐड किए थे, एक में मैंने स्ट्रॉबेरीज ऐड की थी। तो आपकी मर्जी है, आपको जो मर्जी आपका फ्लेवर है आप वो ऐड कर सकते हैं, जो भी फ्रूट अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये ठंडे हो गए थे तो इनको मैंने जो है वो कट कर लिया है और ये देखें इतने मज़े के ये बनते हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा था लेकिन मैंने बड़ा कंट्रोल किया था अपने आप को कि मुझे नहीं खाने, और बस ये मैंने सर्व किया था इनको फ्रेश फ्रूट्स के साथ, फिग्स, स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स हैं और मज़े मज़े के सैंडविचेस। और अभी आ गई हूँ जी मैं टेस्को पे, मैंने जरून को साथ लिया था और हम बस वॉक करके यहाँ पे आए। और ये हैं अल्टरनेटिव्स डेरी के, सोया, ओट्स, राइस, आलमंड मिल्क, और ये है जी मेपल सिरप और डेट सिरप विच इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ शुगर, जो कि मैं मेपल सिरप लेती हूँ मोस्टली। और ये है जी कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हुई हुई थी और मैं ले रही थी टर्किश वन और मुझे उसका मज़ा नहीं कुछ आ रहा था, तो मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, शायद मैं उसको सही से बना नहीं रही या क्या इशू है, वो मुझे मज़े की नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने नेस्केफे जो क्रीम वन है वो ली थी, क्योंकि उसमें आपको क्रीमर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और बस यहाँ से हमने ग्रॉसरी की और फिर मैं और ज़रून जो है वो घर आ गए। काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो लगी हुई थी ऑक्सिया पे, लाइक दी स्ट्रॉबेरीज यूजुअली 3 यूरो पर पैकेट होता है, सो 172 का था तो मैंने ले लिए। इसी तरह सैलड्स पे भी, नट्स पे, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्काउंट्स था तो मैंने फिर जो है वो ले ली थी। ये मैंने लिए थे जी थ्रो ब्लैंकेट्स सोफे पे डालने के लिए, क्योंकि जरून फॉरेस्ट बहुत गंदा करते हैं और उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रे में जो थे वो आउट ऑफ स्टॉक थे तो मैंने फिर यही ले लिए थे और विल गेट दोज ग्रे वंस एज वेल जब वो रीस्टॉक होंगे। तो लेकिन फिर इस तरह से मैंने इनको ऊपर बिछा दिया था तो चलो कुछ तो कवर होगा, क्योंकि इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है।
अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे मीठा, और मीठे में बनेगा जी आज चॉकलेट लोटस तिरामिसू। बहुत ही इजी और क्विक है। यहाँ पे मैंने मास्कारपोने ली है, व्हिपिंग क्रीम है, और ये जो है फिंगर स्पॉन्जेस हैं, और ये कॉफ़ी सिरप है, कॉफ़ी और वाटर मिक्स किया हुआ है, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने क्रीम व्हिप कर ली है, और मास्कारपोने जो है उसको भी मैंने ऐड कर लिया है बाउल में, और इसको मैं स्पैचुला के साथ दोनों क्रीम्स को मिक्स करके और बस इसकी जो है वो लेयरिंग करूँगी। यहाँ पे आप क्रीम शैंटल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्वीटनर ऑलरेडी होता है, इसमें नहीं होता तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली शुगर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे बस हम स्पॉन्जेस को डिप करेंगे कॉफ़ी सिरप में और इसकी लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर हम ऐड करेंगे जी क्रीम की लेयर, और फिर हम स्पॉन्जेस की लेयर ऐड करेंगे, और फिर क्रीम, देन चॉकलेट, और उसके बाद जो है वो हम लोटस बिस्किट क्रश करके डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप बिटवीन द लेयर्स भी चॉकलेट और लोटस बिस्किट ऐड कर सकते हैं। मैंने बस टॉप लेयर पर ऐड किया था। इसका जो मिक्स्ड बेरीज़ फ्लेवर है वो भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसकी रेसिपी और का लिंक जो है मैं वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो भी ज़रूर चेक करिएगा, वो भी बहुत ही मज़े का बनता है। इनफैक्ट मेरा जो है वो ज़्यादा फेवरेट है, ये बच्चों को अच्छा लगता है चॉकलेट वाला, और मेरे हस्बैंड को जो है वो मैंगो वाला अच्छा लगता है, और उनके लिए मैंने एक्चुअली मैंगो वाला भी बनाया था, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और इसको फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में, और मैं हम लोगों ने डिनर के टाइम पे फिर मैंने इसको निकाल लिया था क्योंकि इतना ही टाइम इसको लगता है सेट होने में। इस पर आप फर्दर डिफरेंट टॉपिंग्स कर सकते हैं कैरमल चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ और आइसक्रीम के साथ, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और अभी हम बनाएंगे डिनर। डिनर में मैंने बनाए थे टैकोज, और उसके लिए मैंने लिया था चिकन, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, चिली सॉस, सोया सॉस, योगर्ट और बेल पेपर्स ऐड करके इसको कुक कर लिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैटर क्रेप्स का, इसके लिए मैंने लिया था फ्लोर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और एग और वाटर ऐड करके इसका मैंने रनी सा पेस्ट बना लिया है। आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी रेसिपीज़ दे दूँगी। और बस इसको जो है वो हम इसके क्रेप्स बना लेंगे, इसको बस को ऐड करके इसको बहुत थिनली हमने स्प्रेड करना है क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा सॉगी सा बनता है, सो जितना थिन होगा उतना ही क्रिस्पी सा बनेगा। तो इसको जो है वो बस हम मीडियम लो हीट पे जो है वो इस तरह से कुक कर लेंगे। लीन जी क्रेप्स हो गए हैं रेडी, और यहाँ पे मैंने जो मिनी टोर्टिया थे वो भी मैंने वार्म अप कर लिए हैं, और बस अभी यहाँ पे बनाएंगे गुआकामोली। इसके लिए मैंने लिया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, टोमेटो, अनियन और एवोकाडो, लेमन जूस, और इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, और साथ में मैंने बना ली थी मिंट चटनी, और ये हमारा गुआकामोली भी रेडी हो गया है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, इसको आप सिंपली टोस्ट के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं, बहुत यम्मी होता है। अभी बस इसको असेंबल करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई हैं, सिर्फ इसको असेंबल करना है। यहाँ पर मैंने टैको पे ऐड किया है चटनी, गुआकामोली और चिकन और सैलड, और थोड़ा सा मैंने टमाटो केचप ऐड किया है, और ऐसे ही मैंने क्रेप्स भी असेंबल करके उनको मैंने जो है वो बस वार्म अप कर लिया था। और एक मीठा क्रेप मैंने बनाया था जरून के लिए, उस पर मैंने जो है वो हेज़लनट और वॉलनट्स ऐड करके तो उसके लिए मैंने वो कर दिया था। तो ये बहुत ही इजी क्विक यमी जो है वो बन जाता है डिनर आपका, और एक डिफरेंट सी चीज़ हो जाती है, सारी चीज़ें आपके पास घर में होती हैं, तो आई फील के हमें जो है वो ट्राई करनी चाहिए। तो बस मेरे हस्बैंड को बड़ा अच्छा लगता है मज़े मज़े की नई नई चीज़ें, तो मैं बस उनके लिए जो है वो इस तरह से करती रहती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपने इन्जॉय की होगी, इफ़ सो इसको लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।